गाइस तो क्या आप भी जेईई मेंस 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, साथ में आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म है, कब रिलीज होगा, कब आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जेईई मेंस 2025 के लिए, साथ में क्या आपका एग्जाम जो है इस बार लेट होने वाला है वो भी देखने वाले, और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब आपको कितने मार्क्स चाहिए, कितने मार्क्स आपको टारगेट लेके चलना है ताकि आपको यहाँ पर एक IIT आपका सिक्योर होना चाहिए, और IIT और NIT टॉप वाले आपको कितने मार्क्स पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। आपको पता है जेईई का हर एक ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होता है, और साथ ही में इतना नहीं गाइस, आप सभी के एग्जाम से लेकर एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद आप सभी का जो जोसा काउंसलिंग होता है उसमें भी आपको फुल सपोर्ट रहने वाला है। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और नहीं किया तो अभी कर दीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, लिंक अवेलेबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए सबसे पहले अगर आप OBC एंड UR या फिर जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको ओनली 75% चाहिए CBSE या फिर स्टेट बोर्ड में। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर SC ST, तो SC ST के लिए छूट है, तो उनको लगभग 65% ही चाहिए CBSE या फिर स्टेट बोर्ड में। क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा, बट अगर आपको ठीक है ना CBSE या फिर स्टेट बोर्ड में 65 या फिर उससे कम आपका परसेंटेज आ जाता है तो भी आपको बहुत सारे ऐसे रेपुटेड इंस्टीट्यूट है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको हर एक अपडेट पता चलने वाला है। बात कर लेंगे आप सभी की जो एप्लीकेशन फॉर्म है कब रिलीज होते हैं, कब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ऑफिशियली। तो देखिए नवंबर के फर्स्ट वीक में ही आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे, तब जाकर आप अपने रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब बात कर लेंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल ब्राउचर है जेईई मेंस 2025 का, जिसमें आपको हर एक डेट का जिक्र मिलेगा, यानी कि हर एक डेट मेंशन रहेंगे। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो सेप्टेंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रिलीज किया जाता है। डोंट वरी, मैं आपको अलर्ट नोटिफिकेशन देने वाला हूँ जब कभी भी ऑफिशियल जेईई मेंस 2025 का ऑफिशियल ब्राउचर रिलीज हो जाता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम डेट, और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है और बहुत सारे स्टूडेंट के बार बार यही मैसेज कमेंट आ रहे हैं कि सर इस बार जो एग्जाम है वो लेट होगा क्या। तो देखिए जैसे कि हर बार आपको पता है सेशन 1 का जो एग्जाम है जनवरी के लास्ट वीक में कंडक्ट किया जाता है, और इस बार भी यहां पर जनवरी के लास्ट वीक में ही होगा, तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसे आप और भी तेजी से बढ़ा लीजिए, ठीक है। और जेईई मेंस सेशन 2 का जो एग्जाम है अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही कंडक्ट किया जाता है, तो आपको मैं हर एक वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देता आ रहा हूँ कि आपको इस बार सेशन 1 एग्जाम जो जनवरी में कंडक्ट हो रहा है उसे ही फोल्ड कर आना है, और इसमें आपको कम मार्क्स पे ज्यादा आपका जो परसेंटेज है वो बन जाता है। और डोंट वरी, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने मार्क्स आपको सिक्योर लेके चलना है और आपको टारगेट लेके चलना है। सबसे पहले आपको कमेंट कर देना है आप सभी का ड्रीम IIT, जो कि हर एक का सपना होगा कि मुझे इस IIT में एडमिशन लेना है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब आपको कितने मार्क्स टारगेट लेके चलना है ताकि आपका जो है परसेंटाइल 99 point something आ जाए और आपको टॉप का IIT मिल जाए, और आपका जो न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न क्या है उसे भी समझ लेते हैं। तो वीडियो आपको एंड तक वॉच करना है। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर 3 सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पर 30 question होते हैं, और हर एक सब्जेक्ट में आपको 2 सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट में आपको लगभग 30 question मिलेंगे, यानी कि सेक्शन ए की बात करूँ तो 20 question आपको देखने को मिलेंगे और 20 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। बट सेक्शन बी में आपको छूट मिलता है, मतलब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होता है, तो आपको 15 यानी कि 15 क्वेश्चन मिलते हैं, और 15 में से आपको 10 ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और इसी प्रकार केमिस्ट्री और मैथ्स का भी होने वाला है, मतलब आपका टोटल यहां पर क्वेश्चन की बात करूं तो आपको हर एक सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और 25 मतलब आपका लगभग यहां पर क्वेश्चन हो रहा है 75। टोटल मार्क्स की बात करूं तो 300 मार्क्स आपके टोटल हो जाते हैं। अब बात करेंगे यहां पर आपको टॉप का IIT मिलने के लिए, और हाँ आपको यहां पर 99 point something परसेंटाइल अगर चाहिए तो आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप ठीक है, अगर आप जनरल यानी कि UR या फिर ओपन से बिलोंग करते हो तो आप अगर यहां पर 220 ठीक है 220 मार्क्स भी लेकर आते हो तो आप इजिली 99 point something परसेंटाइल क्रॉस कर जाएंगे। और बात करूं SC ST का तो आपको अगर 150 से लेकर 180 तक भी मार्क्स बन जाते तो भी आपका जो यहां पर परसेंटाइल है 99 point something बनने वाला है। बहुत ही जल्द जेईई मेंस 2025 के लिए ऑफिशियल ब्राउचर भी रिलीज होने वाला है, और होते ही मैं आपको अलर्ट नोटिफिकेशन देने वाला हूँ। साथ में अगर आपके कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।